मेरा नाम मत लीजिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, और यही सब मत बोलिए प्लीज, ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, हम लोगों ने काम किया और तालिमी मरकज का और टोला सेवक का, शिक्षा सेवक का, आप इन लोगों को तो हम लोग 60 साल के लिए कर ही दिए हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि 60 साल तो रहेंगे और इनको और काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी बहुत आगे बढ़ा देंगे, ताकि जितने लोग हैं ये सब लोग तीनों काम करेंगे। तो ये सब हम करने जा रहे हैं, बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा के कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे। तब भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है, सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा और सरकारी नौकरी में रहेगा तब फिर कोई यहां रहेगा, यहां से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही नकारी ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे तो बेचारे तो कहीं भी तो सब तरह की सुविधा उनको मिलेगी। तो एक एक तरह का काम जो हम लोग कर रहे हैं, और गरीब गुरबा तबके को आगे बढ़ाने के लिए आप बताइए, बिहार में तो इतना काम हो गया, लेकिन आजकल तो कुछ इच्छे उसे ना दुष्प्रचार करता है। आज जो मेरे साथे था तो उसका कोई था, आप जरा बताइए, पांचे से आए तो साथ में थे, तो जो हमने कार्यक्रम घोषित किया वही ना रहा जी, और 10 में जो कार्यक्रम घोषित किया वही ना रहा, और 15 में जो ये लोग साथ थे जो आज भी साथ हैं, तो हमने जो 7 निश्चय किया वो भी माने, आ इनसे अलग हट करके उनको साथ मिलाए वो भी मान गए। अब अभी 7 निश्चय 2 किया तब वो अब उनसे अलग हो गए, अब बाकी लोग भी मान गए। तो क्या करते हैं, कार्यक्रम तय हम न करते हैं और वही कार्यक्रम के आधार पर होता, ही लोग कौन काम करते थे, लेकिन आजकल कुछ से कुछ बोलना है, और जो भी काम होता है यहां होता है, लेकिन उन लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे कि एक एक तबके को, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अपर कास्ट के लोग हों, महिलाएं हों, सब लोगों के बीच में जा करके एक एक बात करना चाहिए, और कितना ज्यादा इज्जत किनको नहीं देते। आज हमारे पार्टी में देखिए तो, हमारे पार्टी में आप जरा बताइए, हम लोग सबके लिए काम करते हैं, और कौन जाति है जो इस पार्टी में नहीं है और नेता नहीं है, और लोगों के पास है इतना जो हम लोगों के पास, सब लोग एक साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो एक जुटता वाले न है जी। तो इन सब चीज को कभी भूलिएगा मत, हमेशा याद रखिएगा। और हम तो अब कहेंगे कि बाएं दाएं करके इधर उधर कर रहा, लोगों को मैं भ्रम पैदा करने के लिए इधर से उधर कर रहा, तो चाहे अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड के हो, अति पिछड़े के हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला हो और मुस्लिम समुदाय के लोग हो, सबका ये कर्तव्य है कि अपने लोगों के बीच में एक एक चीज का बात करें। और आप लोग देखिए कि किनको आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नई योजनाओं को बनाना है, हम लोग उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। और अभी जो यात्रा करके आए हैं तो आप देख न रहे, अभी आपको बता दिए कि जिनको पहले लगाए हुए थे उनको और आगे, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और उनका काम भी बढ़ाएंगे। तो एक एक तरह से चीज। और बोलिए बिहार में कौन काम नहीं कर दिया, आप बोलिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, कौन चीज नहीं, हाँ बिजली पहुंचा दिया, कौन सा काम नहीं, पक्की गली नाली का निर्माण, आगे और जितना काम कर रहे हैं जो भी है, और सबका मेंटेनेंस का काम। तो एक एक तरह से जितना काम हुआ है,
पहले का क्या हाल था और अब क्या हाल है। अभी आप सब लोग बैठी हुई हैं महिलाएं, आप पहले आप महिलाओं को देख रहे हैं सब जगह कितना बढ़िया लगती है। आप पहले महिलाओं की स्थिति कितनी खराब रहती थी, कैसी स्थिति थी, तब कैसा हुआ, तो कोई याद करेगा कि कब क्या कर दिया गया और किसने सबके उत्थान के लिए काम किया। अब आप जरा देख लीजिए गरीब गुरबा तबका गांव में भी जो लोग रहते थे क्या हालत था, अब सबकी स्थिति कैसे बेहतर हो गई। और हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आ केंद्र को कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दो, तो नहीं है ना दे रहा है जी, आ हम लोग तो एकदम बिल्कुल अपने ढंग से कर रहे हैं। कई लोग कौन चीज बोलते रहते हैं, अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए, और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। तो ये लोग तो खाली भाषण देते हैं जी, कोई काम करते हैं। आ इनके पहले वाले जो नेता थे जिनके साथ हम थे, श्रद्धेय अटल जी, बोलिए कितना मानते थे छह जी, जो वो लोग काम किए थे, ये लोग कोई काम कर रहे हैं। हर चीज को अपने ढंग से एक एक चीज में नियंत्रण करके, और कुछ नहीं दो ही आदमी का नाम सुनते रहते हैं, किसी और का सुनते हैं। हा बेचारा साहब जो भी है उसको बोलना है, तो कल तक जो मेरे खिलाफ नहीं बोलता था आजकल कितना बोलते रहता है, रोज रोज बोलते रहता है, इसीलिए बोलते रहता है कि उसको दिल्ली वाला कुछ मान ले कि हमको भी आगे बढ़े। इसी चक्कर में अब पता चलता है कि आजकल जितना ज्यादा कोई बोल रहा है उसको डर है कि अगला बार उसको चुनावे में नहीं लड़ेगा, तो इसलिए बेचारा बोल रहा है, तो बोलेगा कहानी, उसको फिर मौका मिले तो ठीक है। तो इसीलिए जो आप समझ लीजिए हालत क्या है, क्या किया, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात को इन लोगों ने नहीं माना है, तो इसीलिए सब छोड़ दीजिए। अब हम लोग तो सब एकजुट हो रहे हैं, अब बाकी मालूम हो गया कि सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, अब मिल करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, तभी बिहार देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो ये लोग तो शुरू में आपको बता दिए हैं, ये लोग तो पूरा का पूरा इतिहास बदल देंगे, हर चीज को बदल देंगे, एक एक चीज को आप लोग भूल जाइएगा, और जो ये कहेंगे वही बात। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जितना हम लोग शुरू से काम किए हैं जरा जा करके इसकी चर्चा जरूर करिएगा, तो सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। और हम लोग जितने लोग एक साथ सात पार्टियां हो गई हैं, सब लोग मिलकर के चलेंगे और देश भर में बाकी लोग भी मिलकर के चलेंगे, और हम लोग इन लोगों की बात मानेंगे। इसलिए आप सब लोग, आप बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को याद रखिएगा, और सब लोग मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ चलिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है, हम जो देख रहे हैं कि बाकी कई जगहों पर कितनी संख्या में सब लोग हैं, तो आज जो हम यहां बोल रहे हैं खाली अपने यहां मौजूद लोगों को नहीं, बल्कि जितने लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं सब लोगों से अपील किया। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की इन बातों को मानिएगा ना भाई, आप लोग आपस में प्रेम और भाईचारे का रहिएगा ना। आए वो बात हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे बारे में मत नारा लगाइए कि यही बनेंगे नेता, ये सब छोड़ दीजिए, हमको तो सबको एकजुट करना है, और बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए माहौल ताकि देश को फायदा हो। खाली मेरा नंबर लीजिएगा तब बिना मतलब का चर्चा होगा, तब मेरा नाम मत लीजिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, और यही सब मत बोलिए प्लीज, ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा, और देखिए कितना